सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने राम मंदिर निर्माण के नाम पर वोट मांगने को लेकर गोविंद सिंह राजपूत की चुनाव आयोग से शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर धर्म के नाम पर वोट मांगने का कृत्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत करवा रहे हैं, जो कि चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। हाई प्रोफाइल सीट सुर्खी विधानसभा से ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रत्याशी माने जाने वाले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के चुनाव प्रचार में धर्म का सहारा लेने को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि जल्द ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो जाएगी। भाजपा द्वारा उन सभी व्यक्तियों को चुनाव में प्रत्याशी घोषित करने की घोषणा कर दी गई है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में प्रवेश लिया है, जिनमें सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल हैं। उन्होंने कहा, राजपूत द्वारा रामशिला रथ यात्रा निकालकर आम मतदाताओं को भ्रमित कर भगवान राम के नाम पर वोट मांगने का अनुचित कृत्य किया गया है। उनके द्वारा अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के नाम पर कैलेंडर छपवाए गए हैं, जिनमें भगवान राम का चित्र उल्लेखित करते हुए कहा जा रहा है कि मोदी जी राम मंदिर बनवा रहे हैं और ये गोविंद भैया का फोटो है। उनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, हम सब फूल में शामिल हो गए हैं। एक फूल पर वोट देने पर आपके नाम की एक ईंट राम मंदिर में लग जाएगी और पुण्य मिलेगा। उन्होंने कहा, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर धर्म के नाम पर वोट मांगने का कृत्य किया जा रहा है, जो कि चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, इसीलिए उनके विरुद्ध तत्काल प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव होना है, जहाँ से प्रदेश के मंत्री भाजपा के प्रत्याशी के रूप में श्री गोविंद सिंह राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा चुनाव प्रचार में भगवान राम के नाम का सहारा लेकर धर्म को राजनीति में घसीटा जा रहा है। उनके द्वारा रथ यात्राएं निकाली जा रही है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अब तो हद हो गई है, उन्होंने कैलेंडर छपाया है जिसमें भगवान राम का राम मंदिर भी बना हुआ है, बाजू में चुनाव चिन्ह कमल का फूल, बाजू में खुद का उनका अपना चित्र लगाकर कार्यकर्ताओं को देकर जगह जगह मतदाताओं को दिखाया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, अगर आप कमल के फूल पर वोट देंगे तो एक ईंट आपके नाम के मंदिर में लग जाएगी। और धर्मलंबी जो बंधु है सारे भ्रमित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति निश्चित से ये बहुत ही आचार संहिता का उल्लंघन है, राजनीति धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है और कार्रवाई करने की मांग की है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।